हाय दोस्तों, नमस्कार, जोहार। तो चलिए आज हम चलते हैं हमारा पंचायत में भी 20 से 22 तारीख तक मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का जो कैंपेन और कैंप लग रहा है कैंप, उसमें देखते हैं और लोगों को मदद करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं अपना पंचायत भवन है और वहाँ पर जो भी वहाँ फार्म भराएगा और कितना स्टाफ लोग हैं उस सबके हम बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया रास्ता नहीं है, लेकिन चलिए इसी रास्ता के माध्यम से हम आप लोग को ले चलते हैं। थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन क्या करें, फिर भी ठीक है। उधर से बन रहा है तो पुल है और उसमें पत्थर वत्थर डाला गया है, तो चलिए कुछ योग लाभों के तो फॉर्म यहीं पर भर दिए हम दिनेश जी मिल करके। हम लोग यहाँ पर कुछ मैंने 15-20 फॉर्म जानो पिछलपी टोला और पटना से भर के रेडी रखे हैं और जाके जमा करना है कुछ, और एक दो लाभुक भी साथ में है और हम लोग के पास 15 आवेदन है वो जमा करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहुँच गए। देखिए यहाँ पर हमारा पंचायत कार्यालय है, पंचायत सचिवालय कह सकते हैं, पंचायत भवन कह सकते हैं। तो ये देखिए बहुत एकदम हम लोग का जो पंचायत अथी में है बहुत रोंग साइड में है, लेकिन अभी पहले बहुत दिक्कत होता था और ये देखिए हम यहाँ पर हैं अभी, लेकिन सुविधा पुल उल बन रहा है तो बढ़िया लगभग में हो चुका है। तो यहाँ देखिए पूरा सुना सुना यहाँ पर लग रहा है, देख रहे हैं कि कहाँ पर है, तो पुराना वाला है और यहाँ पर गाड़ी वाड़ी कुछ लगा हुआ है। ये देखिए पंचायत सचिवालय जानो प्रखंड बनकर लातेहार, ये हमारा अथी है और यहाँ पर जो भी योजना चल रहा है उसका लिस्टिंग किया गया है बोर्ड बना करके। तो और अभी हम दिखाने कोशिश करेंगे कि कहाँ पर काम हो रहा है, ऑनलाइन कहाँ पर है, कैंप कहाँ पर लगा हुआ है, तो दिखाते हैं। तो ये देखिए लोग लाभुक लोग जा रहे हैं, गीता देवी हैं, और चलते हैं देखते हैं कहाँ पर हो रहा है। तो ये देखिए पंचायत सचिवालय है पूरा। और तो अच्छा दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पर जो हॉल होता है उसमें यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग जो हम दिनेश जी लेके आए थे वो वाला सब मेरे पास फॉर्म है, फिर यहाँ पर जमा करेंगे और वेरिफिकेशन कराएंगे और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर बोले कि पावती चाहिए हम लोग के, तो यहाँ पर बोला गया कि जो पावती नहीं मिलेगा, ये जो भी कार्य हो रहा है इसका मतलब एंट्री किया जा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है, ब्लॉक स्तर से ही वहाँ से रिसीव्ड नंबर वहाँ से मिल सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो फॉर्म भरा था, कुछ लोगों के जाति की ज़रूरत था, जाति वाला भी फॉर्म भर के रखे हैं, दो तीन किसान अथी लाभुक का है। तो ये देखिए यहाँ पर कार्य हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ऑपरेटर लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और फिर देखिए मुखिया जी भी बैठे हैं वेरिफिकेशन के लिए और यहाँ पर कुछ लाभुक लोग हैं जो अपना काम करा रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपना अप टू डेट पर डे का जो अपना ब्लॉगिंग के माध्यम से लोगों को बताते हैं, तो हमारा देखिए कि ये किस तरह के कार्य होता है और हर कार्य को कवर करने का कोशिश करते हैं ताकि जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है उसको ले सकते हैं। तो आज समाप्त नहीं हुआ है, 20 तारीख के भी था, 21 तारीख के और 22 तारीख के, 3 दिन का कैंप है, तो कल भी जाएँ और जाएँगे।